से जो है एक अच्छा दृश्य, केंद्र सरकार अगर हमको कहीं सहयोग करेंगी तो निश्चित रूप से जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ये कर सकती है। सर एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार क्या अपेक्षा कर रही है मोदी सरकार से कि उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज के तौर पर कुछ मिले, कुछ बढ़ावा किया जाए क्या? देखिए, मैं स्पेशल पैकेज की बात नहीं करता, मैं तो करता हूँ कि विभिन्न योजनाओं में सहयोग हो। अब जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जिसको जो है वो एक कॉरिडोर के नाम से भी कह सकते हैं, डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस कम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी सबसे पहले घोषणा करके 25,000 करोड़ रुपए का जो है वो अंशदान प्रदेश सरकार को दिया था। तो इस प्रकार की अनेक योजनाओं में केंद्र सरकार से जो है वो सहयोग ऑलरेडी मिलता है। हमारी योजनाएं हैं, उनमें अगर छोटा मोटा भी सहयोग, थोड़ा बहुत भी अगर हमको मिलेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रदेश जो है बहुत तेजी से गति पकड़ेगा और समाज के सारे वर्गों को लेकर आगे बढ़ने का काम करेगा। ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने बलबूते बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं तेजी से कर रही है, उसमें केंद्र सरकार का सहयोग बराबर मिल भी रहा है, और जो योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं को वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी आगे बढ़ाए। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।